हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम हम जो होती है उसे हम एक्सचेंज सॉर्ट एल्गोरिदम भी कहते हैं। यहाँ पर एल्गोरिदम काम कैसे करती है, टू एलिमेंट्स को एट अ टाइम कंपेयर करती है, एंड अगर वो दोनों जिस ऑर्डर में उन्हें होना चाहिए उसमें नहीं है, मीन्स लेफ्ट टू राइट स्मॉलर टू ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, तो उन दोनों को क्या करती है, स्वैप कर देती है। ठीक है, इस एल्गोरिदम में कुछ पासेज इन्वॉल्व होते हैं और एक हर एक पास के कंप्लीट होने के बाद एक एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। ओके, तो सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं इसका। लॉजिक हमने लिखा है यहाँ पर, आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, इनिशियली आई की वैल्यू ज़ीरो होती है, मीन्स फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में हम क्या करते हैं कि आपका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसको हाईएस्ट पोजीशन, उसको राइट मोस्ट पोजीशन पे पहुंचा देते हैं। सेकंड पास में क्या होगा, आई की वैल्यू वन हो जाएगी। इस पास में क्या होगा, जो सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट है वो सेकंड राइट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से लास्ट पास में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट आप स्टार्टिंग पोजीशन में एरे के पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख रहे हैं पास वन। तो पास वन कंप्लीट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टू एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट टू एलिमेंट को कंपेयर किया, टू एंड वन को, लेफ्ट टू राइट क्या ये स्मॉलर टू ग्रेटर एलिमेंट है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को स्वैप कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, वन एंड टू। रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने एज इट इज़ लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड को किया था, सेकेंड एंड थर्ड को किया, सेकेंड एंड थर्ड स्मॉलर टू ग्रेटर एलिमेंट है तो हमें इनको स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्वैप किया है, यहाँ पर स्वैप करना पड़ा, यहाँ पर स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको एज इट इज़ लिख देंगे, 3 7 6। इसके बाद यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, 4 एंड 3, इनको हमें स्वैप करने की ज़रूरत है तो हमने यहाँ पर इनको स्वैप कर दिया, 1 2 3 4 7 6। ओके, अब किस किस को कंपेयर करेंगे, 4 एंड 7 को क्या स्वैप करने की ज़रूरत है, नहीं है, तो हम इनको एज इट इज़ लिख देंगे, 4 7 6, 1 2 3। अब देखिए, अब किस किस को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या इन दोनों को स्वैप करने की ज़रूरत है, लेफ्ट टू राइट ग्रेटर टू स्मॉलर है, हमें चाहिए स्मॉलर से ग्रेटर एलिमेंट। ओके, तो अब हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पास कंप्लीट। फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका राइट मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। ठीक है, अब रिमेनिंग एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, फिर से अब इन एलिमेंट्स पे आप सेकेंड पास अप्लाई करोगे, पास टू अप्लाई किया। तो सबसे पहले एरे हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं, 3 4 6 7। ओके, तो अब इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया, स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लिख लिया, 3 4 6 7। इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया, स्वैप की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 6 7। इन दोनों को कंपेयर किया, स्वैप की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 6 7। यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स को हमने कंपेयर किया, कुछ भी स्वैप की ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको एज इट इज़ लिख देंगे। ओके, सेकंड पास के कंप्लीट होने के बाद दो एलिमेंट आपके सेकंड पास के कंप्लीट होने के बाद आपके दो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से पास थ्री यहाँ पे लिख लेते हैं, पास थ्री के केस में आपके पास एरे क्या है, 3 4 6 7। कोइंसिडेंटली ये सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं, बट हमें सारे पासेस रन करने हैं। अभी तक हमारे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम दो पास कंप्लीट हुए हैं, अब थर्ड पास स्टार्ट करते हैं। थर्ड पास में फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, कुछ भी आपको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वन स्मॉलर है, टू ग्रेटर है। ओके, अब टू और थ्री को कंपेयर करेंगे, टू लेफ्ट में है, थ्री राइट में है, स्मॉलर लेफ्ट में ग्रेटर राइट में, यहाँ पर भी हमें कुछ भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके बाद 3 4 को कंपेयर किया, स्मॉलर लेफ्ट में ग्रेटर राइट में, यहाँ पर भी हमें कुछ भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हमारे थ्री पासेस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पास देखते हैं, पास फोर।
ओके पास फोर में एरे क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 4 6 7। 1 2 को कंपेयर करेंगे, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, 4 6 7। यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ पर भी स्मॉलर लेफ्ट में है तो यहाँ पर इन दोनों को भी एज इट इज़ लिख दिया। ओके तो यहाँ पर हमारे फोर एलिमेंट्स सॉर्ट हो गए अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। अब इसके बाद पास फाइव, पास फाइव में क्या होगा, सिर्फ दो एलिमेंट हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, स्मॉलर लेफ्ट में है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ओके अब इसके बाद पास सिक्स, पास सिक्स में हमारे पास कंपेयर करने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है तो यहाँ पर हमारे सारे पासेस कंप्लीट हो गए, हमें सॉर्टेड एरे, सारे पासेस कंप्लीट हो गए एंड हमें सॉर्टेड एरे मिल गया, 1 2 3 4 6 7। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आए। सपोज हमारे पास जो एरे है वो आपका रिवर्स सॉर्टेड एरे ले रहे हैं, एग्जांपल टू रिवर्स सॉर्टेड एरे ले लेते हैं, 5 4 3 2 1। ओके सपोज एरे है ये, तो यहाँ पे पास वन स्टार्ट करते हैं, पास वन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इनपुट एरे हमारा है 1 5 4 3 2 1, 5 4 को कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैप हो जाएगा, क्या जाएगा, 4 5 3 2 1। अब इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर से स्वैप करना पड़ेगा, 3 5 4 एज इट इज़, 2 1। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर से हमें स्वैप करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में आपका ग्रेटर एलिमेंट है, तो स्वैप किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 3 4 1। ओके अब फिर क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपका ग्रेटर एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, 1 5 2 3 4। तो फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका एलिमेंट है ये करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। ओके अब इसके बाद पास टू में इनपुट एरे कौन सा है, 3 2 1 4 3 2 1 एंड 5 5, आपका करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। ओके तो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 4 3 3 4 होना चाहिए, स्वैप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 5 5, तो ऑलरेडी सही पोजीशन पे है ही, ठीक है। अब इसके बाद किस किस को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, 4 2 है हमें क्या चाहिए, 2 4, लेफ्ट टू राइट, स्मॉलर टू ग्रेटर, तो यहाँ पर स्वैप कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 5। अब इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर स्वैप की ज़रूरत है, 1 राइट हैंड साइड पे है, 4 लेफ्ट हैंड साइड पे है, उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, तो स्वैप करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 2 1 4 5, ठीक है। तो अब देखिए पास टू के कंप्लीट होने के बाद दो एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं, अब पास थ्री में एलिमेंट कितने आएंगे, 3 2 1 4 5 आपके सॉर्टेड सिक्वेंस में सही पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, स्वैप करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 2 3 1 4 5। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर से लेफ्ट टू राइट स्मॉलर टू ग्रेटर एलिमेंट होना चाहिए, अपोजिट है इसलिए हम स्वैप कर देंगे, 1 3, ठीक है, 4 5, पास कंप्लीट हो गया। यहाँ पर पास कंप्लीट कब होता है, पास कंप्लीट होता है, फर्स्ट पास कंप्लीट होता है जब आप लास्ट एलिमेंट तक पहुँच जाओ, ठीक है, सेकेंड पास सेकेंड लास्ट एलिमेंट, थर्ड पास थर्ड लास्ट एलिमेंट। ओके तो इस तरीके से आपके पास कंप्लीट होते हैं। पास थ्री कंप्लीट होने के बाद राइट हैंड साइड के 3 एलिमेंट्स आपके सॉर्ट हो गए। अब इसके बाद पास फोर स्टार्ट करते हैं। पास फोर कैसे आपका स्टार्ट होगा, पास फोर में आप इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया, क्या स्वैप करने की ज़रूरत है, हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट स्मॉलर टू ग्रेटर एलिमेंट होना चाहिए, तो अब हम दोनों को स्वैप कर देंगे तो 1 2 आ गया, ठीक है, पास कंप्लीट हो गया। तो अब क्या हुआ, इस एरे के कितने एलिमेंट सॉर्ट हो गए, राइट हैंड साइड के 4 एलिमेंट आपके सही जगह पर चले गए। अब इसके बाद पास फाइव में सिंगल एलिमेंट है, ये ऑटोमेटिकली अपने प्रॉपर प्लेस पर है, तो ये आपका आ गया आपका सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे। ओके अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ बबल सॉर्ट।